वड्डी खबर है अमित शाह दे नाल मीटिंग चल रही है भाजपा के आगुआ की और इस दे विच केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश भी शामिल ने ते पंजाब भाजपा के प्रधान अश्विनी शर्मा भी शामिल ने। गृह मंत्री अमित शाह दे नाल भाजपा आगुआ की यह मीटिंग हो रही है। एक पासे जिहड़े राजस्थान के किसान दिल्ली वाला कूच कर रहे हैं उन्हां नूं प्रशासन के वल्लों रस्ते दे विच रोक दिता गया, बैरीगेटिंग कर दी गई है और किसान उत्थे ही फिलहाल बैठ गए ने। उधर दूसरे पासे गृह मंत्री अमित शाह दे नाल भाजपा के जो आगू ने पंजाब के वो बैठक कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह दे नाल भाजपा आगुआ की मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग दे विच केंद्रीय मंत्री जो पंजाब तो सोम प्रकाश और इस अलावा पंजाब भाजपा के प्रधान अश्विनी शर्मा भी शामिल ने। किसानों का संघर्ष एक पासे जारी है, सब उन्होंने साथ देने लिए पहुँच रहे हैं तो उत्थे दूसरे पासे मीटिंगा का दौर भी जारी है। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर मीटिंग दे विच नज़र आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह नज़र आ रहे हैं और मीटिंग भाजपा आगुआ दे नाल चल रही है। पंजाब के जो भाजपा आगू ने वो मीटिंग के लिए पहुँचे हुए हैं कि किस तरह किसानी मसले का हल किया जाए। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश जिहड़े ने पंजाब तो ने वो पहुँचे हुए हैं और इस अलावा पंजाब भाजपा के प्रधान अश्विनी शर्मा वो भी इस बैठक के मौजूद ने, गलबात कर रहे हैं ता जो इस मसले का जिहड़ा वो हल कढ़िया जा सके, क्योंकि पंजाब के जो भाजपा आगू ने उन्हां दा विरोध भी लगातार किसानों के वल्लों किया जा रहा और जिस तरह बीते दिन भी ऐलान किया गया सी संघर्ष तिखा करन दा तो उस दे विच भी कहा गया सी कि भाजपा आगुआ के घरां दा घिराओ भी दोबारा किया जाएगा। कमल कंसल साडे सहयोगी साडे नाल जुड़े ने। कमल की कोई जानकारी है जो मीटिंग हो रही है की कुछ इस मीटिंग दे विच खास रहने वाला और कौन कौन शामिल है इस मीटिंग दे विच? बिल्कुल जितेंद्र जी, जिस तरीके से पंजाब को बीजेपी के नेताओं की बैठक गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ चल रही है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से किसान संगठन जो हैं वो लगातार अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं तो इसको लेकर पंजाब की फीडबैक जो है वो ली जा रही है कि पंजाब के किस तरीके के हालात हैं और किसान जो है वो क्या चाहते हैं और किस तरीके से कोई बातचीत आगे बन सकती है कि नहीं बन सकती, उस पूरे मामले पर जो है पंजाब बीजेपी के जो नेता हैं वो बैठक कर रहे हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से पहले जो बैठक थी, कल शाम में भी जो बैठक की है इन लोगों ने, तो उसका फीडबैक जो है पंजाब की तरफ से अब दिया जा रहा है। जी, तमाम जानकारी दे ली कमल, धन्यवाद।